ठीक है, नमस्कार आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारी से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइज, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स के 2022 में जो पेपर हुए थे, उन सभी पेपर को जो है हम लोगों ने सॉल्व किया था। कुछ पेपर सॉल्व किए थे, आज हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो पेपर का जो कोड है वो 346GC रहने वाला है। और कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर ये कोड वाला पेपर आप सॉल्व करा दीजिए, तो आइए हम आज इन सभी इस कोड वाले पेपर को सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों, यदि आपने इसको सॉल्व किया होगा और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे होंगे वो प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो देख सकते हैं कि जैसा कि पेपर का जो कोड है वो 346GC करके है, और 2022 का ये सेट है, 2022 के पेपर है जो कि भौतिक विज्ञान है। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, आपके लिए समय 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। आप एग्जाम दे ही चुके होंगे, कुछ पेपर दे चुके होंगे प्यारे बच्चों, तो वहां पर आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ सबसे पहला निर्देश दिया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द तथा खंड य। ठीक, इतने सारे प्रश्न, इतने सारे खंड होते हैं। खंड अ बहुविकल्पी होता है और प्रत्येक प्रश्न के एक एक अंक होते हैं, यानी खंड अ में जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को आपको एक एक अंक मिलने वाले हैं। फिर खंड ब अति लघुतरी है, प्रत्येक प्रश्न का यहाँ भी एक अंक होता है। खंड स लघु उत्तरी है, प्रत्येक प्रश्न दो दो अंक के होते हैं। और खंड द जो होता है वो आपका लघु उत्तरी होता है, प्रत्येक के 3-3 अंक होते हैं। अगला क्या करा निर्देश, खंड यह विस्तृत उत्तरी है, प्रत्येक प्रश्न के 5-5 अंक के हैं। ठीक, इस खंड में 4 प्रश्न आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। आंतरिक का मतलब होता है पहले एक के अथवा, मतलब आप ऑप्शन करके चुन सकते हैं, वहां दो दो प्रश्न उपलब्ध रहेगा, दो में से एक करना रहता है। आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है। प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, वो जो सारे निर्देश की इंग्लिश वर्जन यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों, आप इसको पढ़ सकते हैं। आइए अब हम शुरुआत करते हैं खंड अ की, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये बहुविकल्पी तो है, परंतु आपको लगता होगा कि बहुविकल्पी प्रश्न सबसे आसान होता है, ये आपका मानना सबसे गलत है। बहुविकल्पी प्रश्न आपको एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है ये, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला बल, लगने वाला स्थिर वैद्युतकी बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तो इनके मध्य स्थिर बल कितना लगेगा, इस बात को ध्यान देना है। या देखिए, सबसे पहले क्या करें, दो बिंदु आवेश K1 है जो कि K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए, तब लगने वाला बल। तो पहले प्रश्न की शुरुआत हम करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पहले नंबर का ध्यान से देखिए। जब हम K1 परावैद्युतांक की बात करते हैं तो K1 परावैद्युतांक माध्यम में लगने वाला जो बल होगा, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, माध्यम में लगने वाला बल कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो जब किसी माध्यम में बल होता था तो उसके लिए कूलाम बल क्या हो जाता था, F बराबर 1/4πε0, यहाँ K1 हो जाएगा, माध्यम K1 हो गया। फिर Q1 Q2 अपान क्या हो जाता था, R स्क्वायर हो जाता था। अब परावैद्युतांक बदल गए, K1 से क्या हो गया, K2 हो गए, तो K2 परावैद्युतांक माध्यम में लगने वाला बल F' मान लेते हैं, जो कि 1/4πε0 K1 के बजाय यहाँ क्या हो जाएगा, K2, और Q1 अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि हमको ये K2 माध्यम में लगने वाला बल ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर इसे 2 बना देते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। तो समीकरण 2/ क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2/ क्या हो जाएगा, समीकरण 1। तो समीकरण जब 2/1 करेंगे तो F' क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, F' की वैल्यू आपके पास यहाँ पड़ी है, देखिए 1/4πε0 K2, फिर Q1 अपान कितना है, R स्क्वायर। साथ में F की वैल्यू कितनी है, देखिए ऊपर समीकरण में दिख रहा है 1/4πε0 K1 Q2 अपान क्या, R स्क्वायर।
आप देखिए ये सारी चीजें कट जाएंगी, केवल यहाँ के टू बचेगा, वन अपान के टू वन अपान के वन। तो एफ डैश अपान एफ इक्वल टू हो जाएगा वन अपान के टू और वन अपान के वन। ठीक, ये के वन ऊपर चला जाएगा तो इसे हम लिख देंगे के वन अपान के टू। अब हमको नया बल एफ डैश ज्ञात करना था, तो एफ का क्या कर देंगे पहले बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एफ डैश इक्वल टू मिल जाएगा के वन अपान के टू इंटू एफ। आइए, जो नया बल लगेगा वो के वन के टू इंटू एफ के बराबर होगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपके विकल्प में दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों? तो देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, के वन अपान के टू इंटू एफ। तो जो है इसका ऑप्शन ये करेक्ट होने वाला बिल्कुल प्यारे बच्चों। तो अगर यदि आपका ऐसा उत्तर आया था तो और अच्छी बात है। यहाँ अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी उत्तल लेंस की लाल और बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः एफ आर, यानी लाल के लिए एफ आर है और बैगनी के लिए एफ वी हो, तब इनमें से क्या कंडीशन हो सकता है प्यारे बच्चों? अर्थात दोनों की फोकस दूरियां इक्वल होंगी, या बैगनी की फोकस दूरी कम होगी, रेड का ज्यादा होगा, या यहाँ पर, यहाँ ये दोनों ऑप्शन सेम टू सेम दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, देख लीजिए, ये दोनों ऑप्शन एक ही दिख रहे हैं, नहीं उल्टा है सॉरी, यहाँ बैगनी का कम है, यहाँ रेड ज्यादा है, यहाँ रेड कम है बैगनी ज्यादा है। ठीक, और ये आपके बैगनी, यहाँ आप ये चारों ऑप्शन है प्यारे बच्चों। चलिए चारों ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सत्य होने वाला है। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से, अगर ध्यान से समझिएगा, तो किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी होती है, वो फोकस दूरी जो होती है ना, वो फोकस दूरी एफ, वो प्रोपोर्शनल होती है एक बटे अपवर्तनांक, यानी एन के अपवर्तनांक। ध्यान से देखिएगा, तो हमारे कहने का मतलब है कि जो एफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एक बटे एन के, अर्थात एन जब घटेगा तो एफ बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो एफ घटेगा। एक बार मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि एन का मान अगर कम होगा तो एफ ज्यादा होगा, अगर एन का मान ज्यादा होगा तो एफ कम होगा। अब वो चर्चा किस में कर रहा था प्यारे बच्चों? बैगनी और रेड, बैगनी और रेड। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों, जो बैगनी होता है, अगर आपने विचलन बैगनी होगा तो आपने प्रिज्म में ध्यान दिया होगा कि जब प्रिज्म में प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो सबसे ऊपर बैगनी होता है और नीचे सबसे ज्यादा क्या होता है? रेड होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? रेड होता है। अर्थात कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो बैगनी रंग होता है, उस बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो एनवी, मान लेते हैं ये एनवी का अपवर्तनांक कम होगा रेड की तुलना में, बैगनी का अपवर्तनांक रेड की तुलना में कम होगा, तो फोकस दूरी इसकी अपोजिट हो जाएगी प्यारे बच्चों। अर्थात एफ वी, इसकी फोकस दूरी कम होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों? कम होगी, और इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अधिक होगी। इस बात को ध्यान देना है, सुनिए एक मिनट, इसका ये ऐसा उल्टा लगा है, ये ऐसे लगना चाहिए था। एनवी, एनवी का मतलब है कि बैगनी का अपवर्तनांक रेड की तुलना में कम होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ बैगनी की जो फोकस दूरी होगी वो अधिक होगी किसके तुलना में? रेड के तुलना में। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख पा रहा है प्यारे बच्चों? यानी बैगनी की फोकस दूरी अधिक होगी रेड, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एफ वी बड़ा है एफ आर से, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? करेक्ट है। चलिए आगे क्या करा है प्यारे बच्चों? ग नंबर, वैद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के सदिशों में जो कलांतर होता है, तो प्यारे बच्चों क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है? किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा, यानी तरंग दैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉन है। मतलब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तब होगा जब उस पर हम लोग इतने एंगस्ट्रॉन का प्रकाश आपतित कराएंगे। आगे कह रहा है 1000 एंगस्ट्रॉन का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी। यदि हम उस पे इतना ऊर्जा, इतना विकिरण आपतित कराएं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो प्यारे बच्चों हमारे पास गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है, जैसे अगर मैं नाम दे दूं कि ये हमारा लैम्डा वन है, ये हमारा लैम्डा वन है, और ये क्या है प्यारे बच्चों? लैम्डा टू है। ध्यान से देखिए, ये जो है ये आपका लैम्डा वन है, ये आपका क्या है? लैम्डा टू है। इस बात को ध्यान देना है। तो आइए, लैम्डा वन की वैल्यू 2000 एंगस्ट्रॉन दिया है, क्वेश्चन नंबर घ है,
ती दूर पहले का घ नंबर। बिल्कुल आसान सा सवाल है। लेमडा वन की वैल्यू 2000 एंगस्ट्रॉन है, तो एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज कर देंगे तो 2 गुणे, देखिए ये 2000 है ही है, ठीक ये 2000 है, गुणे 10 घाते माइनस 10, 1 2 3 तीन टू पावर कम हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 घाते माइनस 7 मीटर आ जाएगा लेमडा वन की वैल्यू। ऐसे ही सेम टू सेम लेमडा टू है, लेमडा टू कितना है प्यारे बच्चों, 1000 एंगस्ट्रॉन है, इसे अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 गुणे 10 घाते माइनस 7 मीटर, जैसे हमने ऊपर चेंज किया तो वैसे इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। इतनी बातें आपकी क्लियर हुई, लेमडा वन हो गए, लेमडा टू हो गए। प्यारे बच्चों अब करा था गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है ई के यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है, अब देखिए एच सी अपान यहाँ लेमडा वन हो जाएगा, ये पहले तरंग दैर्ध्य के लिए है, या सॉरी लेमडा टू पहले के लिए माइनस क्या हो जाएगा एच सी अपान लेमडा वन, ये हो गया। तो दोनों में आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों की एच सी क्या है, कॉमन है, तो आपके पास 1 अपान लेमडा 2 हो जाएगा माइनस 1 अपान लेमडा 1 हो जाएगा। केवल वैल्यू रखनी है प्यारे बच्चों, एच की वैल्यू कितनी है 6.62 × 10⁻³⁴ होता है, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ होता है, और 1 अपान लेमडा 2 लेमडा 2 की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ आपने देखा कितना है, देखिए 1 गुणे 1 × 10⁻⁷ ये है माइनस 1 अपान लेमडा 1। तो प्यारे बच्चों लेमडा वन की जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷। चलिए अब हमको इनको हल करना है, तो इनको हल कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कैसे हल किया जाए, तो इसका भी आसान सा तरीका है। देखिए ये जो 10⁻⁷ है, ये जो 10⁻⁷ है, ये दोनों जगह क्या है कॉमन है, हम यहाँ 10⁻⁷ कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए 6.62 × 10⁻⁴ ये 3 × 10⁸, ठीक 10⁸। अब देखिए जैसे ही यहाँ से हम 10⁻⁷ कॉमन लेंगे तो ये बटे में 10⁻⁷ नीचे कॉमन होगा, तो यहाँ 1/1 बचेगा, यहाँ 1/2 बचेगा। आप समझ पाए प्यारे बच्चों, 2 × 2 में से 1 घट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये देखिए -7 और ये 34 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका प्यारे बच्चों, यहाँ कितना बचेगा 34 में से 7 कट गया है तो 27 बचा है। तो प्यारे बच्चों 6.62 × 10⁻²⁷ है और 3 × 10⁸, 2 × 1 = 2, 2 में से 1 घटा दिए, 1/2 आया है, ठीक। अब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे और हल करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.9 × 10⁻⁹ जूल, ठीक ये वैल्यू आ गई, ठीक ये वैल्यू आ गई 9.9 × 10⁻⁹ जूल। अब ध्यान देना ये आपका जूल में आया, अगर मुझे इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो प्यारे बच्चों हम 1.6 × 10⁻⁹ से क्या कर देंगे भाग, ये कैंसिल, इसको डिवाइड कर देंगे तो बराबर 6.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्या देखिए ऐसा कोई ऑप्शन आपके एग्जाम बुक में मिल रहा है प्यारे बच्चों, 6.18 या 6.12 भी कह सकते हैं लगभग 6.12, तो देखिए क्या ऐसा ऑप्शन कोई आपके मिल रहा है, तो देखिए हाँ प्यारे बच्चों 6.12 यानी 6.2 देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन आपका क्या बिल्कुल करेक्ट है। देखा प्यारे बच्चों अंग नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एल लंबाई के तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30° के कोण पे झुका है, तो तार पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है प्यारे बच्चों, देखिए अंग नंबर क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, बस केवल आपको ध्यान लगाना है थोड़ा सा, बस ये कह रहा है कि ये एल लंबाई का कोई क्या है तार है, ये एल लंबाई का कोई तार है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है, और ये चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ, चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, थीटा अंश का। तो प्यारे बच्चों अगर हम क्या करते हैं कि यानी ये जो तार है, जो एल लंबाई का तार है, अगर एज एग्जाम्पल ऐसे मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र बी ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा, ठीक, तो मैं कहता हूं कि जो ये एंगल है ये थीटा, ये कितना अंश का कोण बना रहा है 30° का, तो इस पे लगने वाला बल, तो प्यारे बच्चों जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा रहता है और उसमें आई एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही हो, तो लगने वाला जो बल होता है वो आई बी एल साइन थीटा होता है, ठीक, इसका हमने डेरिवेशन भी कराया प्यारे बच्चों। तो यहाँ थीटा जो है 30° है, थीटा कितना है 30°, तो साइन 30° का मान 1/2 हो जाएगा,
यहाँ आई बी एल बटे कितना हो जाएगा, दो, आई बी एल बटे दो, तो जो लगने वाला बल होगा वो आई बी एल बटे दो होगा। क्या ऐसा कोई एग्जांपल आपके, सॉरी, ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? देखिए तो प्यारे बच्चों, जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो इसी से मैच कर रहा है, ये आपका करेक्ट है। ठीक, आगे छह नंबर क्या कर रहा है कि 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन में विद्युत वाहक बल होगा। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अब चाहे आप इतना अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर मैं चर्चा करूं यहां, अगर 3 बल्ब, क्या प्यारे बच्चों, 3 बल्ब, तो एज अगर डायग्राम बनाना चाहें तो एक बल्ब ये माना जा सकता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक बल्ब मैंने ये मान लिया, फिर सेकेंड वाला जो बल्ब है ये मान लिए, ठीक, ये सेकेंड बल्ब हो गया, फिर उसके बाद ये जो है प्यारे बच्चों थर्ड बल्ब हो गया ये। अब इन तीनों बल्ब को किस क्रम में जोड़ा गया है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो और इनको लास्ट में एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी गई है, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। तो भाई आप चाहे 3 ठो जोड़ लो, चाहे 1000 बल्ब जोड़ डालो, परंतु हमने पढ़ा है कि समांतर क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल विभव जो है समान होता है, जितना यहाँ रहेगा वही यहाँ वही यहाँ, तो अर्थात जितना विद्युत वाहक बल है प्यारे बच्चों उतना ही रहेगा। समझ पाए आप क्वेश्चन को? ये रहा आपका, इस प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम अगले खंड की बात करेंगे जो कि वो भी एक एक ही नंबर का प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, खंड ब का सबसे पहला प्रश्न है, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। तो गतिशीलता की व्यंजक क्या होता है जानते हैं? गतिशीलता का व्यंजक होता है म्यू इक्वल टू वी डी अपान ई। यहाँ कहने का मतलब है यदि ई का मान 1 हो जाए तो म्यू जो होगा बी डी के बराबर हो जाएगा। इसका परिभाषा हम यहाँ से बता सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या बता सकते हैं कि एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, वी डी क्या है? अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग ही गतिशीलता कहलाती है। बात आप समझ पाए प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आपने समझा होगा। ठीक, आगे प्रकाश के विवर्तन में, आगे क्या कर रहा है? प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए? तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रकाश के विवर्तन में केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई, तो आपने पढ़ा होगा केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई का जो व्यंजक होता है वो 2λ/E क्या होता है, ई होता है। अगर मैं इसको लेमडा से नहीं बल्कि क्या कर दे, लेमडा मिनिमम कह दे, मैक्सिमम की बात कर दे, लेमडा मैक्सिमम की बात कर दे, मतलब केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई लेमडा एम से व्यक्त कर रहे हैं, तो इस लेमडा एम पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में किया जाए? तो पहले बच्चों हम एक फार्मूला जानते हैं, जो लेमडा होता है वो लेमडा एम जो होता है वो बराबर होता है लेमडा बटे एन, लेमडा बटे एन। अब अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकालूं तो ये लेमडा एम व्युत्क्रमानुपाती है 1/n के, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना प्यारे बच्चों, लेमडा एम जो है यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1/n, यानी अगर यन घट रहा तो ये बढ़ेगा, यन बढ़ रहा तो ये घट जाएगा, यन बढ़ेगा तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये रिलेशन है। तो भैया जब प्रयोग जल में करने जाओगे तो जल का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जल का अपवर्तनांक वायु की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए जो इसका चौड़ाई है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, घट जाएगी। इसका उत्तर लिख देंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो प्रयोग हो रहा है वो जल में हो रहा है, तो प्रयोग जल में करने के कारण इसकी चौड़ाई घट जाएगी, क्योंकि जल का अपवर्तनांक अधिक होता है और केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये लिख देंगे। आगे ग नंबर प्रश्न क्या है, देख पा रहे होंगे ग नंबर कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती, समझाइए। तो प्यारे बच्चों इसका जवाब यह है कि दो वैद्युत बल रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करती हैं, एक दूसरे को जब काट, जहां प्रतिच्छेद बिंदु होता है इसे प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं, तो ये प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती क्योंकि ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है यहाँ पर ये दो दिशाओं को व्यक्त करती है, और दो दिशाओं को व्यक्त करने वाली रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इसका जवाब होगा कि वैद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेदन बिंदु पे दो दिशाओं को व्यक्त करती हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। आगे घ नंबर प्यारे बच्चों क्या कर रहा है
कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान अंडर रूट 2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान क्या होगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, हम इसको ही हल कर दे रहे हैं कि वर्ग माध्यमूल मान को हम आई आर एम एस से व्यक्त करते हैं जो कि अंडर रूट 2 दिया है, और शिखर मान को आई नॉट से व्यक्त करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, हम लोग फार्मूला ये जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका फार्मूला होता है आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। ठीक, अब आई आर एम एस की वैल्यू दिया गया है, देखिए प्यारे बच्चों आई आर एम एस की वैल्यू आपको यहाँ दिया गया, ये वैल्यू अगर हम अंडर रूट 2 रख दें, यहाँ आई नॉट बटे अंडर रूट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से कर देंगे तो ओनली 2 आ जाएगा, तो जो धारा का शिखर मान होगा वो 2 एम्पियर के बराबर होगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों इस धारा का जो शिखर मान होगा वो 2 एम्पियर के बराबर होगा। प्यारे बच्चों अंगा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। एक नंबर का है तो ज्यादा हम लोग इसमें टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, मतलब ज्यादा नहीं लिखना है। समस्थानिक क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से लिखिए हमने क्या लिखा है कि एक ही तत्व के वे परमाणु, मतलब एक ही तत्व का परमाणु होना चाहिए जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो समस्थानिक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका प्रोटियम हो जाता है प्यारे बच्चों, ये 1H1 को हम प्रोटियम कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो परमाणु क्रमांक है ये सभी जगह सेम टू सेम है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, प्रोटियम ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम, ये एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। संभारिक क्या होता है प्यारे बच्चों, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो वो संभारिक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आप आर्गन और कैल्सियम का दिखा सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये परमाणु क्रमांक अलग अलग है परंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या है, दोनों की समान है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या करा है, 6 नंबर कि किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 200 वोल्ट मेंस के, ध्यान से देखिएगा, 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब, यानी बल्बों की संख्या कितनी है 200। प्यारे बच्चों ये एन मान लीजिएगा ना, आगे क्या करा है, आगे क्या करा प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रतिदिन 24 घंटे व्यय होते हैं, मतलब ये टी दिया है, कितना दिया है प्यारे बच्चों, टी दिया है। ठीक, व्यय हुई ऊर्जा, तो व्यय हुई ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है प्यारे बच्चों, और ये जो 200 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट आपको क्या दिया है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा यहाँ आपसे क्या, 200 वोल्ट के मीन्स को 60 वाट, 60 मतलब प्यारे बच्चों ये पी दिया है, क्या दिया, व्यय ऊर्जा। तो व्यय ऊर्जा को हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे, कौन सा प्रश्न क्रमांक है, 6 नंबर, दूसरे का 6 नंबर, व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा। इसके लिए फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, कितने बल्ब थे वो एन गुणे पी, कितने वाट का था, कितने टाइम चल रहा था प्यारे बच्चों, बटे 1000। तो N 200 बल्ब थे, P कितना था 60 था, टाइम कितना था प्यारे बच्चों 24 घंटे चल रहे थे, बटे 1000। देखिए ये 1 2 3 1 2 3 0 कर जाएंगे, 6 दूनी 12 12 का गुणा हम 24 से कर देंगे तो हमारे उत्तर आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 6 12 × 24 तो 12 4 48 12 2 24 24, 288 जूल आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है, दूसरा खंड भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरे खंड की हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, खंड स का तीसरे का क नंबर क्या कह रहा है, पीएन संधि डायोड को के अवक्षय पर तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों पश्च अभिनत क्या होता है, हमने पूरी क्लास पढ़ा के रखा है परंतु इस प्रश्न का जवाब यहां पर क्या होगा कि जब हम पीएन संधि को पश्च अभिनत में जोड़ देते हैं तो अवक्षय परत की जो चौड़ाई होती है, ये अवक्षय परत की जो चौड़ाई होती है प्यारे बच्चों ये बढ़ जाती है, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बढ़ जाएगा, और जिसके फलस्वरूप जिसके दौरान ये भी जो विभव प्राचीर होता है ये भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब पीएन संधि पश्च अभिनत में होगा तो उसकी विभव प्राचीर भी बढ़ जाएगी और अवक्षय परत की चौड़ाई भी बढ़ जाता है। अगर इसकी अपोजिट बात करें अग्र अभिनत की, तो अग्र अभिनत में अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है जिसके कारण विभव प्राचीर भी कम होता है। अब ख नंबर प्रश्न क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखे। प्यारे बच्चों इसकी फुल डिटेल की क्लास भी चैनल पर उपलब्ध है, अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हैं।
प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। सबसे पहला नियम क्या है प्यारे बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सबसे फर्स्ट सबसे पहला नियम होता है कि जब हम किसी धातु के पृष्ठ पर आप प्रकाश को क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं। यहाँ देखिए हमने सारी चीजें लिख के रखा है प्यारे बच्चों, आप ऐसे यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम हेडिंग बनाना है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी संभव हो सकता है जब पृष्ठ पर आपतित होने वाले मतलब पड़ने वाले प्रकाश की जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से कम ना हो। मतलब जिस पृष्ठ पर आप प्रकाश को आपतित करा रहे हैं उस पृष्ठ की एक देहली आवृत्ति होती है प्यारे बच्चों, फुल ये सब क्लास आपको बताई गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो देहली आवृत्ति से अगर प्रकाश कम रहेगा, प्रकाश की आवृत्ति कम रहेगी तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। सेकेंड क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। थर्ड क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की मात्रा पे क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक प्यारे बच्चों, और चौथा नियम अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो चौथा नियम ये जोड़ सकते हैं कि जैसे ही प्रकाश किरणें धातु के पृष्ठ पे पड़ती हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है। इस प्रकार आप चार नियम यहां लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। ग नंबर आपसे क्या करा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या वाले 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या वाले ठीक कक्षा में 6.6×10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, कक्षा में तुल्य धारा क्या है होगी, यही बताना। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, तीसरे का ग नंबर, ध्यान से देखिए तीसरे का ग नंबर। तो क्या है, ध्यान से देखना है कि त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों, आर की वैल्यू है 0.7 एंगस्ट्रॉन, इसको मीटर में चेंज करें तो 0.7 एंगस्ट्रॉन को 10⁻¹⁰ मीटर, ठीक ये त्रिज्या बदल गई। आगे क्या करा, मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो वी दिया है, चाल कितना है प्यारे बच्चों 6.6×10⁴ मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे पूछ रहा तुल्य धारा यानी आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारे पास फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब क्यू नहीं दिया ना तो टी दिया, क्यू को बदल देंगे एन इंटू ई में, और टी टी क्या होता है फिर बच्चों, सर्दी बहुत जबरदस्त है, थोड़ी सी वीडियो में आपको डिस्टरबेंस होगा परंतु आज के लिए बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग। जो ये टी है वो समय है, समय इक्वल टू होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या हो जाएगी यहाँ, दूरी समय को हम दूरी बटे चाल कर रहे हैं, तो दूरी क्या है, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है प्यारे बच्चों, तो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने का मतलब जो दूरी होती है वो वृत्त के परिधि के बराबर होती है, तो यहाँ टी इक्वल टू हो जाएगा 2πr दूरी बटे चाल, चाल क्या मान लेते हैं वी, तो ये वी ऊपर पहुंच जाएगा तो आई इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा एन ई वी बटे 2πr। अब सारा वैल्यू रख देते हैं प्यारे बच्चों, एन की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन है तो एक हो जाएगा, ई का मान 1.6×10⁻¹⁹, वी का मान आपको दिया है 6.6×10⁴, ठीक ये दिया है ना, पूरे के बटे 2πr, 2π की वैल्यू 3.14 रखना चाहो रखो या 22/11 रख दो, 7×r 0.7×10⁻¹⁰, ये रख दिए ठीक। अब ये -10 से ये कट जाएगा तो यहाँ -9 बचेगा, अब देखिए ये 7 से ये कट जाएगा तो यहाँ 0.1 बचेगा ठीक। और कुछ कट रहे हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल कट जाएंगे, देखिए 2 से कटा दिया जाए तो ये कट जाएंगे तो 0.8 बचेगा यहाँ पर ठीक। और कुछ कटेंगे 22 से ये कटा दिया जाए तो ये 0.3 बचेगा ठीक। अब आप इन सबको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और हल करेंगे, तो हल करने के बाद लगभग 2.4×10⁻¹⁵, 2.4×10⁻¹⁵ एम्पियर करंट होगा। इस प्रकार आपका तीसरे का घ नंबर कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, घ नंबर वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो गुणों को लिखना है। तो प्यारे बच्चों इनका जो दो गुण है वो गुण क्या है, सबसे पहली बात इनकी जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है, और दूसरा गुण इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो गुण होता है, पहला गुण प्रकाश के चाल के बराबर होती है, दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये प्रकाश के चाल के बराबर होती है, सॉरी इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला 25 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स दिशा में संचरित हो रही है,
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इतना है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्या होगा? तो पहले बच्चों चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी पूछा है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो इसको हम लगाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बी इक्वल टू होता है ई अपान सी। ई की वैल्यू है 6.3, सी की वैल्यू 3×10^8। डिवाइड कर देंगे पहले बच्चों तो लगभग 2.1 आएगा, तो बी की जो वैल्यू होगी 2×1×10^-8 टेस्ला। इस प्रकार पहले बच्चों आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक, ये रहा तीसरे का पूरा प्रश्न, क ख ग घ चारों खंड हमने कर लिए। अब हम बात करेंगे खंड द की। द का देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है पहले बच्चों, किसी अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का निगमन कीजिए। तो पहले बच्चों इसके लिए जो अपवर्तन का सूत्र होता है ये होता है N2/V -N1/U बराबर होता है N2 -N1/R। ये फार्मूले का जो डेरिवेशन है पहले बच्चों चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, पूरी डीपली तरीके से मैंने समझाया है। तो 3 नंबर का है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप तक प्यारे बच्चों अभी तक आपने इसका रिवीजन नहीं किया है तो इस डेरिवेशन को आप भाई एक बार रिवीजन कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो। ये क्वेश्चन आपसे मुलाकात होने वाली है 2023 के एग्जाम में, ध्यान से समझ लीजिए। तो इसको आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं, या तो आप इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करा है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। तो प्यारे बच्चों वैद्युत धारिता की जो परिभाषा होती है वो होती है कि यदि हम किसी चालक को क्यू आवेश देते हैं और वो क्यू आवेश देने में प्लेटों के बीच विभवांतर वी हो, तो क्यू और वी का अनुपात ही चालक की वैद्युत धारिता सी कहलाती है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से, यदि किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाए और क्यू आवेश देने पर प्लेटों के बीच विभव वी उत्पन्न हो जाए, तो क्यू और वी का अनुपात ही चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। अब आगे प्यारे बच्चों ऐसा न्यूमेरिकल दिया है, जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ऐसा न्यूमेरिकल पूछा है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं नामकरण करूं प्यारे बच्चों, तो यहां से अगर नाम दूं तो इनका नाम C1, इनका नाम C2, इनका नाम C3, इनका नाम C4। चित्र में देखिए तो ये C3 और C4, ये C3 और C4 किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद आगे ध्यान से अगर हम लोग डायग्राम की मदद से समझे प्यारे बच्चों, तो डायग्राम कुछ आपका इस प्रकार है। देखिए डायग्राम आप यहां देख लीजिए, C4 और C3 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। सबसे पहले लिखेंगे C3 और C4, C3 व C4 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है प्यारे बच्चों? समांतर क्रम में है। तो तुल्य जो धारिता हो जाएगी वो C- इक्वल टू हो जाएगा C3+C4। C3 की वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 है, तो 4 μF हो जाएगा तुल्य धारिता C- बराबर। ठीक, आगे क्या कर रहा है पहले बच्चों, अब ध्यान से देखिए चित्र में, ये दोनों मिलके अभी आपने C- निकाल लिया, ये दोनों मिलके C- हो गए प्यारे बच्चों ना। अब ये C- और C2 दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, C- और C2 ये दोनों वायर मिलके एक हो गए ना प्यारे बच्चों, तो C- और C2 श्रेणी क्रम में हो गए। तो अब हम लिखेंगे C- व C2 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है प्यारे बच्चों? श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो फार्मूला हो जाएगा 1/C। अब हम जो तुल्य धारिता है C" कर रहे हैं, 1/C बराबर 1/C' + 1/C2। तो वैल्यू रख दें तो C' की वैल्यू कितनी है? 4 और C2 की वैल्यू 4 है। पहले बच्चों हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, 1 × 1 = 2, 2/4 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/C" हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो C" इक्वल टू 2 μF आ गया। अब ये टोटल रिजल्टेड ये हो गया पहले बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए C" यानी आपने इतना टोटल हर करके टोटल क्या पा गए? C". अब ये जो C" है ये C1 के साथ पैरेलल में है, यहाँ C" है, ये C1 है, तो C" और C1 समांतर क्रम में है। इस बात को ध्यान देंगे, C" व C1
समांतर क्रम में है। किस क्रम में है प्यारे बच्चों? समांतर क्रम में है। तो अब जो तुल्य धारिता होगी वो सी ट्रिपल डैश मान लेते हैं बराबर सी डबल डैश प्लस सी वन। प्यारे बच्चों सी डबल डैश की वैल्यू जो है आपने 2 माइक्रोफेरेड निकाला, इसका भी 2 है, तो ये दो 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 जुड़ के कितने हो गए? 4 माइक्रोफेरेड। ये सी ट्रिपल डैश है। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, आपने टोटल इतना यहां तक, केवल यहां तक आपने टोटल हल कर लिया जिसकी तुल्य धारिता 4 माइक्रोफेरेड आई है। अब ये और वो दोनों आपके किस क्रम में हो जाएंगे? सीरीज में। सी और सी डबल डैश किस क्रम में हो जाएगा? सीरीज में। अब जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका ए, ये आपका सी, और ये आपका सी ट्रिपल डैश, और ये आपका क्या हो गया? बी। अब ए और बी के बीच का तुल्य धारिता, तो सी ए बी इक्वल टू 1 अपान सी ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान सी प्लस 1 अपान सी ट्रिपल डैश। वैल्यू रख देते हैं तो सी ए बी की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ पहले से दिया है तुल्य धारिता 2 माइक्रोफेरेड। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड 1/2 हो जाएगा बराबर 1/2 सी प्लस सी ट्रिपल डैश की वैल्यू 1/4 है। ये प्लस वाला अगर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? -1/4 बराबर 1/2 सी। लसा ले लेंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4 तो 2 1 2, 2 माइनस 1 बराबर 1/C। यहाँ अमल कर देते हैं, 2 में से 1 घटा देंगे, 1/4 बराबर 1/2 कितना आ जाएगा? सी। अब कह रहे बच्चों 4 ऊपर चला जाएगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। इस प्रकार आपका जो टोटल आंसर होगा ये होगा। प्यारे बच्चों अगला ग नंबर क्या कह रहा कि एक लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व के सूत्र को स्थापित कीजिए। प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये स्वप्रेरकत्व अन्योन प्रेरकत्व ऐसे ये पूरे फुल डेरिवेशन प्यारे बच्चों हमने अपनी क्लास में पढ़ा के रखा, आप जाके इस प्रश्न का जवाब देख सकते हैं, या तो आपको ये इस सवाल का जवाब लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए अगला अगला भी प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं यानी एलईडी क्या है प्यारे बच्चों? इसका चिन्ह बनाइए, इसकी कार्य विधि पर विवरण दीजिए, संक्षिप्त विवरण। ये भी प्यारे बच्चों आपके एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप तैयारी करके जाइए, बढ़िया से पढ़ के जाइए। ये दोनों दोनों प्रश्नों का जवाब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, या तो क्लास आप क्लास पे जाके देख सकती है। प्यारे बच्चों आगे क्या करा? अंग नंबर, किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उपयुक्त किरण आरेख द्वारा समझाइए। प्यारे बच्चों इसकी भी क्लास हमने पढ़ा के रखा है दूरदर्शी में, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूरदर्शी के द्वारा किरण आरेख, यानी ये सब जो भी दूरदर्शी परावर्ती दूरदर्शी इसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। हाँ इसमें जो न्यूमेरिकल है मैं बता दे रहा हूँ, यदि इस दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस एवं नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां कम क्रमशः 250 सेमी और 5 सेमी हो तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका एवं अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आवर्धन क्षमता। तो चलिए यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं पहले हम वो डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों ये अंगा नंबर प्रश्न है, कौन से खंड का है कौन सा प्यारे बच्चों? 4। तो 4 का अंगा नंबर क्या कह रहा है? ये अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, तो ये एफ ओ दिया है। एफ ओ कितना है प्यारे बच्चों? 250 सेमी है और एफ ई दिया है 5 सेमी। ठीक, आवर्धन क्षमता पूछा है प्यारे बच्चों, तो हम जानते हैं आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है वो एम इक्वल टू होता है माइनस एफ ओ अपान एफ ई। वैल्यू रख देते हैं, एफ ओ की वैल्यू 250, एफ ई की वैल्यू 5, भाग दे दें तो भाई 50 आ जाएगा, तो आवर्धन क्षमता 50 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, अब हमारे पास -50। ठीक, अब हमसे पूछ रहा था अभिदर्शक एवं नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, ये प्रश्न है, तो इसी में पूछा है अभिदर्शक व नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी। तो प्यारे बच्चों इनके बीच की जो दूरी होगा वो इनके फोकस दूरियों के योग के बराबर होगा, बीच की दूरी का जो व्यंजक होगा इक्वल टू होगा एफ ओ प्लस एफ ई। तो एक एक कितना है प्यारे बच्चों? 250, एक 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 सेमी।
इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये भी प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस प्रकार आपका चौथा खंड भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे अगले खंड की, पांचवें का। ठीक प्यारे बच्चों, पांचवें का क नंबर अर्धचालक क्या है? मादन के कारण मतलब अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता पे पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। प्यारे बच्चों ये भी क्लास आपको अर्ध ट्रांजिस्टर में मिल जाएगी, आप वहां से जाके इसको अटेंड कर लीजिएगा, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों आगे क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव भी हमने पढ़ा के रखा है कि एक प्रकार का निकाय होता है जिसमें समान परिमाण व विपरीत आवेश के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। आगे एक समरूप वैद्युत क्षेत्र के दिशा में थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका जो व्यंजक होता है वो यू इक्वल टू होता है माइनस पीई कॉस थीटा, ये भी हमने पढ़ा के रखा है। प्यारे बच्चों यदि आपने नहीं देखा है तो ये क्लासे जाके आप जरूर देख लीजिए, वहां पर सारी क्लासे ये उपलब्ध है, यानी इन दोनों प्रश्नों का जो जवाब है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों अब हम प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, यंग दिजरी के प्रयोग में शून्य क्रम में दसवां शून्य क्रम एवं दसवें क्रम के दीप्त फ्रिंज किसी संदर्भ बिंदु से क्रमशः 11.50 मिमी से 14.50 मिमी की दूरी पर स्थित है। मतलब कहने का मतलब है प्यारे बच्चों जो शून्य दीप्त फ्रिंज है वहां से दसवें, मतलब जैसे ये शून्य दीप्त फ्रिंज हो गया, यहाँ से लेके ये दसवां दीप्त फ्रिंज के बीच की जो दूरी न देकर ये 11.5 मिमी से 14.5 मिमी तक दे दिया, यहाँ 11.5 मिमी है यहाँ 14.5 मिमी है। आगे कह रहा है होती है तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध 6000 एंगस्ट्रॉम है, यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाए तब उसी समायोजन हेतु शून्य क्रम एवं दसवें दीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करना, अर्थात डी अपान क्या ज्ञात करना पड़े बच्चों, यानी हम कहते हैं कि फ्रिंजों के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे परंतु अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक ध्यान से देखना, सबसे पहले वो बोल क्या रहा था कि भाई शून्य कौन सा प्रश्न है, चार नंबर का ग है। चलिए तो चार ध्यान से देखिए, चार का ग है या पांच का ग है, पांच का ग होगा ना, हाँ पांच का ग है। तो ध्यान से देखिए तो क्या है कि सबसे पहले तो हम दीप्त फ्रिंज की क्या निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को हम डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, डब्ल्यू से, जो कि फार्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू। अब देखिए क्या कर रहा था भाई, दसवें क्रम की दूरी कितनी थी 14.50 मिमी और माइनस अगले की कितनी है 11.50 मिमी, और कहां से प्यारे बच्चों दसवें क्रम की ना, तो भाई घटा देते हैं तो 14 में से किस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, 14 में से 11 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3 और बटे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 10, जिनको हम भाग दे देंगे तो 0.3 मिमी आ जाएगा, 0.3 मिमी। ठीक अगर मिमी को मीटर में चेंज कर दें प्यारे बच्चों तो 0.3 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ये फ्रिंजों की चौड़ाई है। अब प्यारे बच्चों यहां पर पूछ रहा था कि फ्रिंजों की स्थिति बताना है जब तरंग दैर्ध्य क्या हो 6000 एंगस्ट्रॉम हो, तो पहला क्या है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए, तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के लिए, ध्यान से समझिएगा वाले प्रकाश के लिए फ्रिंज की स्थिति, तो फार्मूला हमने पढ़ा है डब्ल्यू इक्वल टू लेमडा डी अपान डी, यही पढ़े है ना। अगर मैं लेमडा को इधर कर दूं तो डब्ल्यू अपान लेमडा इक्वल टू यहां से डी अपान डी की वैल्यू मिल जाएगी प्यारे बच्चों। अब W की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों 0.3 × 10⁻³, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो अगर हम एंगस्ट्रॉम को चेंज करें 6000 × 10⁻¹० ठीक ध्यान से देखिए, तो ये −10 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ −7 बचेगा और जो कि ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी इन टोटल को अगर हम हल करेंगे तो 5×10²² आएगा, टोटल को हल करेंगे प्यारे बच्चों तो 5×10², ये किसकी वैल्यू आई डी अपान डी की, डी अपान डी की वैल्यू आई।
अब हम कब क्या ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अब हम ज्ञात करेंगे जब तरंग दैर्घ्य हमारा 5000 एंगस्ट्रॉम था। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। अब हम बात करेंगे तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए, ठीक। तो तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम था ना, इतनी देर तक तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए, वहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तब के लिए डी डब्ल्यू डैश हो जाएगा बराबर डी लेमडा डैश अपॉन डी, ठीक। तो इतने की वैल्यू अभी आपने निकाला था प्यारे बच्चों, 5×10^2 आया था। लेमडा डैश की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को 10^-10, 10 में से 2 घट जाएंगे प्यारे बच्चों, 1, 2, 3। तो इसको हल करेंगे टोटल, तो 2.5×10^-4 मीटर आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 10^-4 मीटर। अगर इसे मिलीमीटर में लिख दें तो 0.25 मिलीमीटर आएगा। यानी जब 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए बात हो रही थी, तब के लिए फ्रिंजों के बीच की जो चौड़ाई थी वो 0.25 मिलीमीटर आया था, ठीक प्यारे बच्चों। ये थी उस समय फ्रिंजों की चौड़ाई। अब वो पूछ रहा है शून्य से, क्या प्यारे बच्चों, शून्य से दसवें क्रम की दीप्त फ्रिंज के लिए। तो प्यारे बच्चों शून्य से दसवें, क्या प्यारे बच्चों, शून्य से दसवें क्रम तक के बीच की दूरी। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान से इसे हम लगा लेंगे। शून्य का स्टार्ट कहाँ से है, 11.50 मिमी से, 11.50 मिमी से। प्लस कितना प्यारे बच्चों, प्रत्येक के बीच की दूरी कितनी है, प्रत्येक के बीच की दूरी 0.25 है। कितना तक, कौन से क्रम, दसवें क्रम, 10। तो पूरा टोटल हल कर देंगे प्यारे बच्चों, तो 14.00 मिमी आ जाएगा। टोटल हल करेंगे तो 14.00 मिमी आ जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये प्रश्न क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और ध्यान देना, यंग के प्रयोग के आधार पर न्यूमेरिकल का अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। अभी हम कुछ ऐसे प्रश्न बनाने वाले हैं जो प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 5 नंबर के कई बार रिपीट किए जाते हैं, उन सभी प्रश्न का हम चर्चा जरूर करेंगे एक बार भी। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता एवं धारा कलांतर ज्ञात कीजिए। और प्यारे बच्चों ये जो ऐसा न्यूमेरिकल है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, टिक लगा लो यारो दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना हो, ऐसे आधारित सभी प्रश्न का अभ्यास जरूर करके जाइएगा, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में मिलना ही मिलना है। ध्यान समझिए क्या कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक जो कुंडली लगी है उसका वोल्टेज 20 है, यहां से लेके यहां तक जो संधारित्र लगी है उसकी वोल्टेज 11 है, और जो प्रतिरोध लगा है उसका जो वोल्टेज है प्यारे बच्चों वो 9 वोल्टेज है। अगर मैं इसके वोल्टेज को VL से व्यक्त करूं, इसके वोल्टेज को VC से, इसके वोल्टेज को VR से व्यक्त करूं, तो हमको सारी चीजें दी गई हैं। लास्ट में पूछा है वोल्टता, परिणामी वोल्टता और कलांतर ज्ञात करना। चलिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आराम से ज्ञात कर लेंगे। पांचवें का घर नंबर में क्या क्या दिया गया था, उस चीज को आप देखिए क्या क्या दिए गए हैं प्यारे बच्चों। तो VL दिया है, VL कितना है 20 वोल्ट, VL कितना है 20 वोल्ट है, ठीक। और फिर उसके बाद VC 11 वोल्ट है, कितना है 11 वोल्ट है। और VR जो है 9 वोल्ट है, कितना है VR 9 वोल्ट है। परिणामी वोल्टता पूछ रहा है, परिणामी वोल्टता V इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट में, क्या होता है अंडर रूट में फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वी आर का वर्ग प्लस VL-VC का वर्ग, यही होता है प्यारे बच्चों, VL-VC का क्या होल वर्ग, ये फार्मूला होता है। ध्यान से देखिए, अब VR की वैल्यू देखिए, VR की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 का वर्ग प्लस VL-VC, VL कितना है 20 है और VC 11 का होल स्क्वायर, ठीक। ये 9 का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों, तो 9 का वर्ग कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 81 आएगा, 20 में से 11 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का वर्ग कर देंगे 81 जोड़ देंगे, तो परिणामी वोल्टेज जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो आपको कितना मिल जाएगा, 162, अंडर रूट 162 वोल्ट, ठीक। अगर हम इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 9√2 वोल्ट लिख सकते हैं, तो परिणामी वोल्टेज ये आ जाएगा।
अब इसी में पूछा है प्यारे बच्चों, इसी प्रश्न में पूछा था कालांतर ज्ञात करने के लिए। प्यारे बच्चों इसी प्रश्न में आपसे कालांतर कह रहा था निकालेंगे लिए। कालांतर का फॉर्मूला होता है टेन फाई इक्वल टू वीएल माइनस वीसी बटे वी आर। चलिए वीएल की वैल्यू 20 था और वीसी की वैल्यू 11, वीआर की वैल्यू 9, तो 20 में से 11 घटा दिए, 9 बटे 9 आ गए, 1 आ गए। तो टेन फाई इक्वल टू कितना आ गया, 1 को हम लिख सकते हैं टेन 45, 10 से 10 कैंसिल, फाई की जो वैल्यू आ गई वो 45 आ गई, कालांतर कितना आ गया 45। इस प्रकार हम पूरे प्रश्न को कंप्लीट करते हैं बच्चों। आगे अगला जो प्रश्न है वो आपको दिख रहा होगा, देखिए कह रहा है दो समांतर धारावाहिक तारों के बीच लगने वाले है बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यदि दोनों तारों की दिशाएं विपरीत हो तो उनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति बताइए। तो प्यारे बच्चों जब बीच बल जो है इनके बीच की जो प्रकृति, जो तारों में जो धारा अगर विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अट्रैक्शन करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये जो प्रश्न है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी आप जाके चैनल पे ये क्लास पढ़ाया है हमने, आप वहां जाके देख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो मीटर सेतु जो होता है व्हीट स्टोन सेतु पे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस, ये है ठीक। आगे कह रहा है कि मीटर सेतु परिपथ आर एक निम्नवत है, सेतु की संतुलन अवस्था में एक्स का मान ज्ञात करना। ध्यान से देखना कि ये मीटर सेतु का परिपथ बनाया गया है, आपको यहाँ पे जो ये अज्ञात प्रतिरोध एक्स है यही कैलकुलेट करना, यही फाइंड आउट करना प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, केवल हमको फार्मूले याद रहेंगे और फार्मूला हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है। मीटर सेतु के लिए मैंने पढ़ाया है पूरी क्लास, आप जाके वहां देख सकते हैं फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों। पांचवी मीटर सेतु के लिए फार्मूला क्या होता है, आर बटे एस बराबर हमने पढ़ा है एल बटे 100 माइनस एल, ये वाला फार्मूला ठीक। अब यहां से आर, आर आपका क्या है, यहाँ एक्स है, आर क्या है प्यारे बच्चों एक्स है, तो ये एक्स मान लिए, आर आपका एक्स है ध्यान से देखिए, और यस यस आपका ये है टोटल, यहां से ये और ये, तो देखिए ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो ये आपका आर है, ये आपका एस है ठीक, और ये आपका पी है और ये आपका क्या है क्यू है। तो देखिए एस तो ये 10 और 5, तो टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 बटे आर बराबर होता है 1 बटे आर1, तो आर1 के स्थान पे 10 है और आर2 के स्थान पे 5 है, तो इसको लसा ले लें तो 10 आएगा, 5 10 एक 10 तो यहाँ 5 9 10 ये 2 1 2 1 3 3 बटे 10 आ जाएगा, 1 बटे आर की वैल्यू आई, आर ऊपर जाएगा तो 10 नीचे आ जाएगा, 10 बटे कितना आ जाएगा 3, तो आर की जो वैल्यू आई 10 बटे 3 आई। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा जो एस है वो 10 बटे 3 की इक्वल है, तो आइए हम फॉर्मूले में रखते हैं, एक्स आर के स्थान पे एक्स था और यहाँ पर कितना 10 बटे 3 है इक्वल टू एल, एल में देखिए चित्र में देखिए तो 52 है, देखिए यहाँ ये एल के स्थान पे कितना है 52 है, तो ध्यान से देखिए चलिए एल के स्थान पे क्या रख देंगे 52 सेंटीमीटर, संतुलन की स्थिति यही है, फिर 100 माइनस क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3x बटे कितना आ जाएगा 10 इक्वल टू 52, 100 में से 52 घटा देंगे प्यारे बच्चों तो 48 आएगा, कितना आ जाएगा 48। इसको केवल अब हम लोगों को हल करना है, देखिए क्या ये चीजें कैंसिल हो रही होंगी, नहीं कैंसिल हो रहा कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 3x इक्वल टू 52 गुणे 10 बटे 48 आ गए ठीक। अब x की वैल्यू चाहिए तो इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा 52 गुणे 10 बटे 48 गुणे 3, कुछ कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर दीजिए, जैसे कि ये 2 से कटाएंगे तो 26 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा पहले बच्चों। अब कुछ और कैंसिल हो रहा होगा, जैसे कि ये 5 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा पहले बच्चों, 13 5 65 और 6 3 18 ये आ जाएगा x की वैल्यू, भाग दे देते हैं तो आपको 3.61 ओम आएगा, 3.61 ओम, तो x की वैल्यू।
और प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, मीटर स्थित के आधार पर जितना भी न्यूमेरिकल हो बहुत आसान होता है। और ये भी ध्यान देना कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछते हैं, ये सवाल का अभ्यास आप जरूर कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट करें। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, खंड य छठवां प्रश्न। यहाँ से प्रत्येक प्रश्न आपको पांच पांच नंबर के मिलेंगे और अथवा करके सभी प्रश्न दिए रहेंगे, ध्यान से देखना है। छठवां नंबर का पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के यनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर इतनी है। तो हाइड्रोजन परमाणु हेतु ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर बामर एवं लाइमन श्रेणी के वर्ण रेखाओं की संक्रमण दर्शाइए। तो प्यारे बच्चों ये जो वर्ण संक्रमण है बामर लाइमन पाषाण पुंड श्रेणी की, ये सारी श्रेणी की जो वर्ण संक्रमण है वो हमने क्लास के दौरान बता के रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। परंतु जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं बता दे रहा हूँ, दोनों श्रेणियों के प्रथम वर्ण रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाइए। मतलब कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, बामर और लाइमन के प्रथम वर्ण रेखा की ऊर्जा हमको बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और साथ में आयनन ऊर्जा बताना है हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों देखो हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा यहीं से मिल जा रही, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे के रखा है ना, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी आंतरिक ऊर्जा। अगर हम इतना प्लस ऊर्जा दे दें किसी भी हाइड्रोजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, अगर इतना प्लस ऊर्जा दे दें, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दे, तो वो आयन हो जाएगा, वो आयनित हो जाएगा। तो इसलिए हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। परंतु बामर और लाइमन दोनों के लिए प्रथम वर्ण रेखा की ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, आप एक बार क्लास में जाके वो जरूर देख लीजिएगा। यहां से देखिए, यहां पर हम बामर श्रेणी के प्रथम वर्ण रेखा की ऊर्जा, तो बामर श्रेणी के लिए जो व्यंजक होता है वो फार्मूला क्या होता है वो तो आपको याद होना चाहिए ना प्यारे बच्चों, कि जब भी कोई भी हाइड्रोजन परमाणु का कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊंचे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, बामर श्रेणी के अंतर्गत। तो जिसका फार्मूला होता है 13.6, कितना होता है प्यारे बच्चों, -13.6 बटे दूसरे। तो यहाँ क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ये दूसरे में संक्रमण करता है ना, नहीं देखिए ध्यान से देखिए, तो हाँ यहाँ 3 का वर्ग होगा, क्यों, क्योंकि दूसरे में संक्रमण कर रहा है तो भाई तीसरे चौथे पांचवे किसी भी से कर सकता है ना, तो दूसरे के बाद कौन आ रहा है तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 13.6 बटे दूसरे 2 का वर्ग, ठीक, दूसरे में संक्रमण करता है। आप वहां जाके जब क्लास देखेंगे थ्योरी क्लास तभी प्यारे बच्चों सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी आपको इस बात को। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ माइनस है ये माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 13.6 2 का वर्ग करेंगे तो 4, यहाँ 13.6 3 का वर्ग करेंगे 9। तो इनको हल करेंगे प्यारे बच्चों, इनको जब हम हल करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी -1.5, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों -1.51, और इनकी वैल्यू आ जाएगी 3.14, ठीक। अब हम क्या करते हैं 3.4 आएगा प्यारे बच्चों, भाग देंगे तो 3.4, अब इनमें से ये माइनस कर देंगे तो इनमें जब माइनस कर देंगे तो टोटल आंसर हमको मिल जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बामर के लिए है, अगर यही हम किसकी बात कर ले लाइमन के लिए, किसकी बात कर ले प्यारे बच्चों लाइमन के लिए, तो लाइमन के लिए क्या होता है कि हाइड्रोजन जो किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो यहाँ -13.6 का 1 का, तब देखिए पहले पे संक्रमण करने के लिए 2 से भी संक्रमण कर सकता है, 2 का वर्ग हो जाएगा -13.6 बटे 1 का वर्ग, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा +13.6, अब 1 का वर्ग करो कोई मतलब नहीं होगा प्यारे बच्चों इसका, ये -13.6 2 का वर्ग कर देंगे 4, अभी प्यारे बच्चों इसी को हम लोगों ने भाग दिया था तो 3.4 आए थे, तो -3.4 और यहाँ +13.6 घटा देंगे तो लगभग आपका जो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों वो 10.2 आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लाइमन श्रेणी के प्रथम वर्ण रेखा की ऊर्जा, ये बामर श्रेणी की, इस प्रकार आपका लाइमन बामर श्रेणी के लिए प्रथम वर्ण रेखा की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे की बात होती तो जहां 3 रखे वहां 4 हो जाता, यहां जहां 2 रखे यहां 3 हो जाता बस। अब इसी का प्यारे बच्चों आठवां वाला जो प्रश्न है उसको हमको ध्यान से समझना, आठवां वाला ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ऐसे क्वेश्चन कई सवालों का मैं अभ्यास कराऊंगा, और प्यारे बच्चों इन ये सवाल को छोड़ के नहीं आना, ये सवाल सबसे सरल होता है, 5 नंबर आपको पूरे टोटल देखे जाएगा प्यारे बच्चों, देख लीजिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप ये हल कर डालिए, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आइए देखते हैं क्या कहता है।
सबसे पहले कह रहा 29 कापर्स 63 के किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है, ठीक, मतलब पूरे सिक्के का द्रव्यमान है। सिक्के के सभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से अलग अलग करने हैं तो आवश्यक ऊर्जा की गणना करना है, मतलब उस सिक्के में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि इनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का टोटल द्रव्यमान कितना है। प्यारे बच्चों इसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का टोटल द्रव्यमान कितना है, तो चलिए 29 Cu 63 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का टोटल द्रव्यमान, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों अब अगर हम ध्यान से देखिएगा तो इस जेड जो है वो परमाणु क्रमांक को व्यक्त करता है 29, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.00783, आपको दिया है हुआ है यहीं पर, देखिए ये दिया है ना, AMU, ठीक। आगे प्लस ए, ए कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ 63 है, ए कितना है 63, तो 63 माइनस 29, और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिया है प्रश्न में 1.0086, 1.0086, ठीक, ये चीजें दी गई हैं, ठीक, इतना। अब आप इनका गुणा इनसे करके इनको घटा के इसको गुणा कर देंगे, तो चलिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग इधर लिखते हैं तो 29 गुणे क्या हो जाएगा, 1.00783 प्लस 13 में से 9 घटा देंगे 4 आ जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे 3 आ जाएगा, 34 गुणे 1.00087। अब टोटल को गुणा करके हल कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 63.52185, 63.52185 AMU, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का। अब प्यारे बच्चों ये इतना आया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। तो द्रव्यमान क्षति का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा है द्रव्यमान क्षति का फार्मूला होता है कि टोटल द्रव्यमान कितना दिया और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना है, इस बात को ध्यान देना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना है, 63.52185, और टोटल द्रव्यमान आपको यहाँ दिया गया, देखिए ये 62.92960, तो 62.92 कितना है, 92960, ठीक। इस प्रकार आप रखेंगे 63 में से अभी घटाएंगे, तो जब पहले बच्चों टोटल इनको हम घटाएंगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 0.59225 AMU, ये मिलेगा आपको, ठीक। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि परमाणुओं की कितनी संख्या होगी, 5 ग्राम में कॉपर की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, 1 ग्राम में तो 6.02 × 10^23 की 23 होता है ना, जैसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, तो 5 ग्राम में CU में, 5 ग्राम CU में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो चलिए इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 6.023 × 10^23, ठीक, पूरे के बटे कितना प्यारे बच्चों 63, क्योंकि 63 ग्राम की बात हो रही है ना, कितने की 63 गए, ठीक है, नहीं हाँ 63, पूरे कितने हैं 63 है, तो 63 और ये भाग दे देंगे गुड़े कितने की कर देंगे 5 ग्राम की बात है। तो टोटल को प्यारे बच्चों जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, तो प्यारे बच्चों जब हम टोटल को सॉल्व करेंगे तो 4.78 × 10^22 आएगा, ये 5 ग्राम कॉपर में परमाणुओं की संख्या है। अब हमको कितनी ऊर्जा की जरूरत है उस बात को ध्यान देना होगा। अब इतने परमाणु हैं तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, जितने द्रव्यमान की क्षति होगी, जितने द्रव्यमान की क्षति होती उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा का व्यंजक क्या हो जाएगा, 0.59225 गुणे
4.78 × 10^22, इसको एमयू में आएगा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन में बोल्ट करने बदलने के लिए 931 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो टोटल को गुणा करेंगे तो जो कि आएगा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2635 × 10^22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, तो 1 2 3 तीन अंक इधर आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2.64 मान ले लगभग, तो तीन अंक गए थे 1 2 3, तो 22 3 कितना हो जाएगा 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार आपका आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आ जाएगा। इस प्रकार आप इस सवाल को हल करोगे। सबसे पहले पहले बच्चों क्या करना था कि उस कॉपर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की टोटल द्रव्यमान निकाल के द्रव्यमान क्षति निकालना था। तो न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों में से जो द्रव्यमान दिया गया था घटा दिए। अब ये आ गई, अब हमको पता करना था प्यारे बच्चों 5 ग्राम कॉपर परमाणुओं में संख्या कितनी होती है परमाणुओं की। तो 6.023 × 10^23 ये एक में होता, 5 ग्राम की बात हो रही थी, 5 का गुणा कर दी कितने 63 से मैंने भाग दे दिया, तो इतना मिल गया प्यारे बच्चों 4.78 × 10^22। अब आवश्यक ऊर्जा, तो प्यारे बच्चों इसके लिए एक इतना जितना द्रव्यमान क्षति हुआ इस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना था 931 का। प्यारे बच्चों 7वां प्रश्न क्या करा, संधि डायोड क्या है। तो प्यारे बच्चों संधि डायोड क्या होता है, जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ दिया जाता है तो वो पीएन संधि डायोड कहलाता है। अब आगे कह रहा, पीएन संधि के अग्रभिन्नत और पश्च अभिन्नत हेतु वांछित परिपथ बनाइए और तथा दोनों स्थितियों में अभिलाक्षणिक वक्र दर्शाइए। दिए गए परिपथ में A1 A2 का पाठ्यांक क्या होगा, D एक आदर्श डायोड है। पहले आप देख लीजिए परिपथ क्या प्यारे बच्चों, ऐसा प्रश्न देखने के बाद आप लोगों को डर लग जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझे, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग क्लास में जाके ये अग्र अभिनत और पश्च अभिनत के लिए जो वांछित ग्राफ होता है वो आप वहां से जाके जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या होता है अग्र अभिनत के लिए। अग्र अभिनत के लिए कंडीशन क्या होता है, जब पी टाइप का जो अर्धचालक होता है, जो पी टाइप का अर्धचालक और यन, ये पी हो गया ये यन हो गया, जब यन वाला और जब पी अर्धचालक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और यन वाला टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो इस प्रकार की अभिनत अग्र अभिनत कहलाता है। कौन सा अभिनत कहलाता है प्यारे बच्चों, अग्र अभिनत कहलाता है। ठीक, जब पी सिरा पॉजिटिव से यन सिरा नेगेटिव से तो अग्र अभिनत, और इसी का अपोजिट कर दे प्यारे बच्चों, जब पी सिरा जो होता है, पी वाला जो टर्मिनल होता है वो आपका माइनस से जुड़ा हो, किससे माइनस से, और यन किससे जुड़ा हो प्लस से जुड़ा हो, तो ये कौन सा अभिनत होता है, पश्च अभिनत। कौन सा अभिनत होता है प्यारे बच्चों, पश्च अभिनत होता है। अब ध्यान से देखिए आगे कह रहा है प्यारे बच्चों कि इनके अभिलाक्षणिक वक्र को बताना है, तो अभिलाक्षणिक वक्र भी हमने वहां पर पढ़ाया है, यदि आप नहीं देखे होंगे तो वहां जाके देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये वी दिखा दे रहे हैं, ये आई दिखा दे रहे हैं, ठीक, तो ये माइनस वी हो जाएगा, ये माइनस आई हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो अग्र अभिनत होता है, अग्र अभिनत में जो ग्राफ होता है कुछ वो इस प्रकार प्राप्त होता है, और पश्च अभिनत में लगातार शून्य रहता है परंतु एकाएक क्या हो जाता, बढ़ जाता है। ये आपका अग्र अभिनत होता है और ये आपका क्या होता है, पश्च अभिनत। ठीक प्यारे बच्चों, और फुल डिटेल की जो क्लास है वो आपको चैनल पे, आप वहां से जाके देख लीजिएगा ना। आगे इसी में प्यारे बच्चों क्या कह रहा था, इसको ध्यान से देखिए डायग्राम को। A1 A2 का पाठ्यांक मतलब A1 कितना करंट मापेगा और A2 कितना करंट मापेगा। प्यारे बच्चों यहां से देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, तो ये जो डायोड डी है ये इसका एन सिरा है और ये इसका पी सिरा है। तो प्यारे बच्चों जब डायोड पी जो है माइनस से जुड़ा है और यन किससे जुड़ा है, प्लस से, तो ये वाला जो अभिनत होगा ये कौन सा अभिनत हो जाएगा, पश्च अभिनत। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पश्च अभिनत। तो पश्च अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती, पश्च अभिनत में धारा जो होती है वो शून्य होती है। तो A1 का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों A1 का पाठ्यांक शून्य होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि जो D का P सिरा है वो माइनस से N सिरा प्लस से जुड़ा, ये पश्च अभिनत में हो जाएगा, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए अमीटर जो होगा A1 का पाठ्यांक शून्य होगा। अब A2 का पाठ्यांक कितना होगा प्यारे बच्चों, ये देखिए
ये जो इसके लिए जो है, इसके लिए जो है A2 का जो पाठ्यांक होगा वो हम आसानी से बता सकते हैं। R आपको 10 दिया है, V आपका प्लस है, V कितना 2 वोल्ट। तो A2 का जो पाठ्यांक होगा प्यारे बच्चों, A2 का पाठ्यांक मतलब I इक्वल टू V बटे R होगा। V की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 है और R की वैल्यू 10 है, 1 बटे कितना हो जाएगा 5, भाग दे देंगे तो 0.2, तो I की वैल्यू जो होगी वो 0.2 एम्पियर होगा। इस प्रकार आप A1 A2 का पाठ्यांक बता सकते हैं। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था। अब सातवें का आठवां आठवां करके एक प्रश्न दिया गया है पहले बच्चों, वो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आपको कि द्रव्य तरंगे क्या है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए, सिद्ध कीजिए विद्युत चुंबकीय विकिरण हेतु तरंग दैर्ध्य का जो तरंग दैर्ध्य संगत फोटॉन के डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बराबर था। फिर बच्चों यहाँ तक डी ब्रोगली तरंग का सूत्र लिखिए, ये सब सारी क्लासे आपको पढ़ाए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आगे की जो सबसे पहले पूछा है कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, तो द्रव्य तरंगों की परिभाषा अगर जानना है तो ध्यान से देखिएगा, जब कोई जो आपका द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि ये गतिमान होते हैं ना, तो वो एक तरंग के भांति व्यवहार करते हैं, तो ऐसे कणों को हम द्रव्य तरंगे कहते हैं। जब कोई द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गतिमान होते हैं तो एक तरंग के भांति व्यवहार करते हैं, ऐसे तरंग को द्रव्य तरंगे कहते हैं। और प्यारे बच्चों इनके जो तरंग होते हैं वो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान से देखिएगा आगे कह रहा है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए ना, तो हम लोग डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिख देते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र का जो व्यंजक होता है वो लैम्डा इक्वल टू एच बटे क्या होता है यम वी, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच बटे यम वी। अगर यही मैं बात करूं विद्युत चुंबकीय तरंग की, किसकी बात करूं प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य का जो व्यंजक होगा वो लैम्डा इक्वल टू होगा एच बटे पी, ये हो जाएगा। अब हम ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहां से अगर पी की वैल्यू रख दे यहाँ, अब हम अगर यही बात करें फोटॉन के लिए, किसकी बात कर ले फोटॉन के लिए, तो भैया फोटॉन के लिए लैम्डा पी लगा देना है इक्वल टू, या लैम्डा एफ लगा दे, एफ का मतलब फोटॉन, या पी मान लो चाहे जो भी मान लो, एच बटे पी, पी के स्थान पर हो जाएगा एच न्यू अपान सी, एच न्यू अपान सी, सी ऊपर चला जाएगा एच सी अपान एच न्यू आ जाएगा, एच एच से कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा पहले बच्चों सी अपान न्यू, और सी अपान न्यू किसके बराबर होता है लैम्डा के, तो लैम्डा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा। ठीक, तो पहले बच्चों इस प्रकार ये कथन प्रूफ होता है कि फोटॉन का जो तरंग दैर्ध्य होता है और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के क्या होता है इक्वल होता है। पहले बच्चों आठवां प्रश्न क्या कर रहा है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये जो क्लास है प्यारे बच्चों वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2, ऐसा करके संयोजन के लिए फोकस दूरी का व्यंजक मैंने पढ़ाया है, आप ये क्लास जाके वहां से देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आप बेहतरीन तैयार कर लीजिएगा जाके देख लीजिए। अब यहाँ से जो न्यूमेरिकल है वो मैं बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो देखिए यहाँ क्या करा कि एक एक की फोकस आगे करा 5 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो पूरी फोकस दूरी है ध्यान से ये P1 है, P1 पहले लेंस की क्षमता कितनी है 5 डायोप्टर है, P2 कितना है प्यारे बच्चों -2 डायोप्टर, टोटल जो क्षमता हो जाएगी P इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा। P1 की वैल्यू 5 है और इसकी -2 है, तो 5 - 2 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 3 डायोप्टर आ जाएगा, ये P की वैल्यू आ गई। अब कह रहा था संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी P इक्वल टू 1/f फार्मूला होता है हमारे पास, f यहाँ आ जाएगा p यहाँ आ जाएगा, तो P f इक्वल टू 1/p, p की वैल्यू 1/3 है जिसको डिवाइड कर देंगे पहले बच्चों तो 33.33 आ जाएगा, ये ध्यान दीजिए। अगर हमको मीटर में ये सारी चीज आपका किस में आएगा प्यारे बच्चों जानते हैं, ये आपका आ जाएगा मीटर में 1/3, ये जो 1/3 है ये मीटर में आएगा। अगर मुझे चेंज करना है तो 100/3 कर दें
तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, भाग दे देंगे तो 33.3333 आता रहेगा। इसका अगला प्रश्न जो है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें स्टार देना चाहो तो 5 स्टार रेटिंग क्वेश्चन है। इसको जाके आप जरूर तैयार कर लो, आपके क्लास मैंने इसमें क्लास इसको क्लास में पढ़ा के रखा हो, बहुत ही अच्छे तरीके से तो आसान भाषा में मैंने पढ़ा है, आप जाके वहां तैयार कर लीजिए। प्यारे बच्चों अब अगला प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न, किसी धारा मापी की सुग्राह्यता का अर्थ समझाइए, किसी धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। प्यारे बच्चों तो ये भी जो क्लास है ये भी मैंने वहां चैनल पे आपने आपके प्यारे से चैनल पे पढ़ाया मैंने, आप यहाँ इसको भी जाके वहां पर रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्यारे बच्चों इसका भी जवाब आपको वहां मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, 9वें का 8वां नंबर, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, ये भी मैंने पढ़ाया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई द्वारा संबद्ध आवेश क्यू का 1/ε गुना होता है। प्यारे बच्चों अर्थात ये गॉस के प्रमेय को कह रहा है, गॉस का प्रमेय, फाई ई जो होता है Q/ε गुना होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये गॉस के नियम है प्यारे बच्चों, आप जाके यहाँ पर गॉस के नियम का जो प्रूफ है वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं प्यारे बच्चों, वो आपको क्लास में मिल जाएगी, ठीक प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हाँ जो सवाल है वो मैं बता दे रहा हूँ, ई की वैल्यू इतनी है, ए की वैल्यू इतना है, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसके लिए फार्मूला होता है प्यारे बच्चों फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। ई की वैल्यू कितनी है, देखिए 14i है +3j है -5k है, ठीक। और a की वैल्यू j केवल है और i ओके नहीं, तो 0i हो जाएगा +4j हो जाएगा +0k। तो देखिए बाकी देखिए ये जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो, ये जीरो हो जाएगा, मतलब k जीरो हो जाएगा, i जीरो हो जाएगा, केवल j बचेगा, तो 4 3 12, तो फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 J की वैल्यू 1 हो जाती है प्यारे बच्चों, और जो भी मात्रक हो आप रख लीजिएगा तो फाई का जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 12, टोटल आंसर 12 आ जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका जो ये प्रश्न है पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये जो पूरी फिजिक्स का सेट था प्यारे बच्चों ये भी पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। 346 GC हम लोगों ने पूर्ण रूप से सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको ये सभी जो प्रश्न है आपके एग्जाम में काफी मदद करने वाले प्यारे बच्चों, और आपको काफी ज्यादा साहस मिला होगा प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ा होगा पेपर को सॉल्व करके हमारे साथ मिलकर। प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर कोड के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखिए, और प्यारे बच्चों इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास खूब जबरदस्त शेयर कीजिए, जम के शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आप पेपर की अपनी तैयारी कीजिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, बाय बाय।